छोटला गोर की दुश्मनी तेरे से, हमसे नहीं है। मैं तो कैसा भी उसे मना लूंगा, चाहे उसके पैरों में गिर कर रो लूंगा, एक सजा भी भुगत लूंगा, लेकिन मैं खुद को और मेरे परिवार को कैसा भी बचा लूंगा। लेकिन बेटा, तू यहां रहने से ये सब नामुमकिन है। वापस मेरठ चल जाओ, कम से कम हम ये सोचकर तो खुश होंगे कि हमारी एक बेटी तो खुश है। तुझे तनी की कसम, ना मत कहना। साहब, एक मेहरबानी कीजिए हम पे, इस नरक से ले जाइए, इसे दूर ले जाइए। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? वो फोन में नेटवर्क नहीं मिल रहा है। अपनी मेरठ की टिकट भी बुक करवानी है ना, अगर मौके पे जगह नहीं मिली तो या तो यहीं रुकना पड़ेगा या फिर ट्रेन में खड़े खड़े मेरठ जाना पड़ेगा। तुम यहीं रुको, मैं अपने एजेंट से बात करके आता हूँ। आप जैसा चाहते थे सब कुछ वैसा ही हो रहा है। हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे आपकी पूरी मदद की हमने। अब आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा, आपको हमारे साथ वापस घर आना होगा। कभी दिग्विजय को अपनी अच्छाई साबित करने का मौका नहीं, इसलिए उसे रणवीर बनकर अपनी अच्छाई साबित करनी पड़ेगी। और अब उसे अपनी अच्छाई का इनाम मिलने वाला है, अमोली से शादी। जय जगदीश हरे। मुझे अपना वादा याद है, मैं घर जरूर वापस आऊंगा। बस एक बार इस नाटक का आखिरी अंक खत्म हो जाए।
आप यहाँ क्यों हैं? मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ दिग्विजय। आई एम स्टिल रणवीर। ओ हाँ रणवीर, मुबारक हो रणवीर, आखिर तुम्हारा प्लान कामयाब हो ही गया। अमूल्य को ये विश्वास हो ही गया कि तुम दिग्विजय नहीं रणवीर हो। लेकिन आपको इस तरह यहाँ आना सारे किए किराए पर पानी फेर सकता। अब वापस चले जाइए, इससे पहले कि मैं और अमूल्य पुंडे निवास पहुँचे आपको वहाँ पहुँचना होगा। मैं पहुँच जाऊँगी, मैंने तुम लोगों से एक घंटे पहले की फ्लाइट ली है और तुम दोनों की टिकट भी बुक करवा ली है। अमूल्य को पाने की मेरी ये आखिरी कोशिश है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस कोशिश में जरूर कामयाब हूँ। एक बात कहूँ मैं,